तो छत्तीसगढ़ में जो है आप सभी को इस वक्त की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताना चाहता हूँ। जी हाँ, इस वक्त की जो है सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी के घोषणा पत्र की जो है 10 सबसे बड़ी बातें। तो बीजेपी ने जितने भी अपने घोषणा पत्र में, जो चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, वो जो 10 घोषणा पत्र में जो 10 बातें कही गई थी, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और किस तरह से आम जनता को, किस तरह से किसानों को, किस तरह से स्टूडेंट्स को, किस तरह से महिलाओं से जो वादे किए गए थे, किस तरह से और कब जो है पूरे होंगे। तो सबसे पहले बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सरकार, उन्होंने कहा था कि जब उनकी सरकार आएगा तो सबसे पहले जो है 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 18 लाख आवास, जी हाँ, और ये चीज़ें इसकी शुरुआत हो भी चुका है। जी हाँ, सबसे पहले विष्णु देव साय प्रथम कैबिनेट की बैठक हुआ और इसमें जो है सबसे पहले महत्वपूर्ण जो है निर्णायक फैसला लेते हुए सबसे पहले जो है 18 लाख गरीब परिवारों को जो है आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से तकरीबन जो है 18 लाख गरीब परिवारों को जो है आवास मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मोदी जी ने भी यही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बातें जो है सबसे मेन इम्पोर्टेंट कहा था कि उनकी पहली प्राथमिकता जो होगा वो यही होगा कि 18 लाख गरीब परिवारों को जो है आवास देने का काम जो है सबसे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिससे कि सभी को जो है आवास मिल सके और कच्चे मकान से उनको पक्का मकान मिल सके। तो 18 लाख गरीब परिवारों के आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा और एक ही बार में उनके अकाउंट में पूरे के पूरे पैसे जो है, आवास का जो पैसा है वो पूरे के पूरे पैसे एक ही बार में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। उनको बार बार तकलीफें नहीं होगा, उनको बार बार जो है किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और दूसरी जो, अगर हम सबसे बड़ी बात करें, तो 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के जो है सभी किसानों के खाते में, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के बैंक अकाउंट में आपके जो है बकायदा, आपके जो है 2 साल का, जी हाँ, आपके जो है बकायदा 2 साल का बोनस का पैसा जो है मिलने वाला है, 2 साल का बोनस। ये भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके जो है बैंक अकाउंट में जो है 2 साल का बोनस का पैसा आएगा और ये 2 साल का जो बोनस होगा ये होगा आपका जो है 2016 का और 2017 का। जी हाँ, 2 साल के बोनस का पैसा, 2 साल के बोनस का राशि आपके बैंक अकाउंट में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में सीधे पूरे के पूरे जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जो कि आप ऐसे हर एक किसान के लिए जो है सबसे बड़ी बात होगी। आप ऐसे हर एक किसान के लिए जो है सबसे बड़ी और सबसे अच्छी अपडेट जो है आप सभी के लिए होने वाला है। तो एक के बाद एक जो है आप सभी के लिए जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, आप सभी के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ये सभी काम किए जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जितने भी घोषणा पत्र, जितने भी चुनावी वादे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जाते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाएंगे, उन सभी घोषणा पत्र को, उन सभी चुनावी वादों को जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक एक करके जो है पूरे किए जाएंगे। बहुत से लोगों को ये लगता है कि बीजेपी उन वादों को जो है पूरा कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी की जितनी भी गारंटी है, उन सभी गारंटी को, उन सभी वादों को जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उन सभी वादों को जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा डेफिनेटली पूरे किए जाएंगे। आप जो है बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए, ये चीज़ें बिल्कुल भी मत सोचिए कि योजनाएं जो है, जितने भी घोषणा पत्र हैं, उन सभी घोषणा पत्रों को पूरा किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, अवश्य रूप से पूरे किए जाएंगे। आपके जितने भी वादे जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स ने जो किए हैं, उन सभी वादों को जो है भाजपा की सरकार के द्वारा पूरे किए जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन एक एक करके जो है सभी वादों को जो है पूरा करने के काम जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। और आम जनता के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए जो है, सभी गरीबों के लिए जो है काम करने का काम, और सभी के लिए काम करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी हाँ, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं को जो है महतारी वंदना योजना, छत्तीसगढ़ के जो है सभी महिलाओं को भी महतारी वंदना योजना से 1,000 रुपये उनके जो है बैंक अकाउंट में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। 1,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र होना भी शुरू हो जाएगा। ये भी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ये भी चीज़ें आपके लिए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए ये सभी चीज़ें, एक के बाद एक आप लोगों के लिए ये सभी अपडेट जो है निकल कर आप लोगों के लिए आने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, ऐसा होता है कि बहुत से, आपको बताना चाहता हूँ कि जल्दी इन सभी योजनाओं पर जो है काम किए जाएंगे। 1 महीने में आपको 1,000 रुपये मिलेगा और 12,000 रुपये, और 12 महीने में आपको जो है 12,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में सीधे पैसे जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और ये जितने भी घोषणा होती है, जितने भी मैनिफेस्टो आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, जितने भी घोषणा पत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो सभी घोषणा पत्र, वो सभी मैनिफेस्टो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए सभी घोषणा पत्रों पर जो है काम किए जाएंगे, सभी अपडेट जो है आप सभी के लिए जो है निकाले जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए जो है काफ़ी अच्छी अपडेट है, आप सभी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक के बाद एक आप सभी के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आप सभी के लिए जो है निकल कर आने वाले हैं। जी हाँ, और इसमें जो 10 सबसे बड़ी बातें हैं, उन 10 वादों को जो है एक के बाद एक जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, उन सभी वादों को जो है एक के बाद एक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उन सभी वादों को जो है आप सभी के लिए जो है पूरे किए जाएंगे। जी हाँ, तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी वादे हैं, सभी वादों को जो है डेफिनेटली आपके लिए पूरे किए जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जब भी आप लोगों के लिए नए नए अपडेट जो है डिटेल्स निकल कर आएंगे, वो सभी नए नए अपडेट जो मैं आप लोगों को जो है अवश्य रूप से ज़रूर बताऊंगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है आम जनता की सरकार है, आम युवाओं, आम गरीबों की सरकार है, और छत्तीसगढ़ में जो है 1 लाख पदों पर आप लोगों के लिए भर्ती होगी। 1 लाख पदों पर जो है, जी हाँ, 1 लाख पदों पर आप सभी के लिए भर्ती है। 1 लाख पदों पर जो है आप लोगों के लिए सरकारी नौकरियां, 1 लाख पदों पर आप लोगों के लिए न्यू वैकेंसीज जो है होने वाला, और एक के बाद एक जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, एक के बाद एक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं, और जितने तारीफ किया जाए बीजेपी गवर्नमेंट्स की उतने ही कम है। जी हाँ, तो आने वाला टाइम जो है आपके लिए होगा, आने वाले टाइम में और भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आप लोगों के लिए घोषणा पत्र जो है जारी होने वाला है आने वाले टाइम में, और भी काफ़ी अच्छी अपडेट्स जो है होने वाले हैं। तो जितने भी अपडेट्स मैंने आप सभी को बताया, जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के घोषणा पत्र की 10 बड़ी बातें हैं, और आई होप सभी को पसंद आया हो। अगर आप सभी को ये सभी जानकारी, सभी डिटेल्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी लोगों तक वीडियोस जो है पहुँच सके। धन्यवाद।